नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और शेयर भी कर दीजिए सेशन को। सब लोग जुड़ गए होंगे, जल्दी आ जाइए। सब लोग जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहा करो। रोज़ रोज़ कहना पड़ता है, पहले कर लिया करो। चलो ठीक है, सब लोग जुड़ गए हैं, चलते हैं अपने आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह्य वर्ण कौन से हैं। पहले ही मैं बता चुकी हूँ अयोगवाह्य वर्ण। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। मैं इस प्रश्न का आंसर पहले बता चुकी हूँ, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह्य वर्ण का वर्ण कौन कौन से होते हैं। जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, कौन कौन से होते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। बहुत अच्छे, इस प्रश्न का आंसर सभी का सही है। आंसर क्या होगा, अंग और अणे, ये क्या होते हैं, दोनों अयोगवाह्य वर्ण होते हैं। एक बच्चा था कोई, वो कमेंट बॉक्स में आके प्रश्न पूछ रहा था। प्रश्न पूछा था व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। मैं उसको बता दूं, व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं और उनमें भी 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 उष्म व्यंजन होते हैं। ये सब मिला के 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, व्यंजन मूल रूप से 33 ही होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, ये अलग होते हैं, उसमें काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ अभिषेक आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। आपका कोई भी प्रश्न हुआ करे आप कमेंट बॉक्स में दे दिया करो, मैं अगली वीडियो में उसको ले लिया करूँगी। ठीक है, प्रश्न है हमारा, शुद्ध शब्द क्या है। पूछा गया है कि संपूर्ण शब्द कैसे लिखा जाता है, शुद्ध देखना है आपको कौन सा शुद्ध है और कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं, आंसर क्या होगा हमारा, बी। ठीक है, संपूर्ण ऐसे लिखा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, लेखक शब्द के प्रत्यय अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। कै प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है, आक प्रत्यय लगा हुआ है, अक प्रत्यय लगा हुआ है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इस प्रश्न का आंसर तो सभी का लगभग आना चाहिए और सभी का सही भी होना चाहिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रत्यय तो सभी को आते होंगे। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं, आंसर क्या होगा इसका, अक प्रत्यय। जिसको प्रत्यय नहीं आते हैं वो बोल के देख लिया करो एक बार, लेखक, अक आ रहा है ना पीछे, शब्द तो लेख होता है, शब्द को अलग कर दीजिए और जो बाकी बचे वो क्या होता है, वो प्रत्यय होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये देखना है हमें कि इनमें कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये है कि 3 शब्द ऐसे होंगे जिनमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपने अपने। उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन, कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग वो होता है जो शब्द के आगे लगा हुआ होता है, प्रत्यय वो होता है जो शब्द के पीछे लगा हुआ होता है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका, उपकार। ठीक है,
उपकार में प्रत्यय लगा हुआ है और सब में उपकार में उपसर्ग है और सब शब्द ऐसे हैं लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन, ये सब प्रत्यय से मिलकर बने हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। शब्द है हमारा नीलकमल में कौन सा समास है, ये पूछा है कि नीलकमल में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपने अपने, नीलकमल में कौन सा समास है। इसका आंसर तो सभी का आना चाहिए। इसे कैसे लिखेंगे, नीला है जो कमल, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, नीला है जो कमल। फिर अब इसमें आंसर कौन सा हो गया, कर्मधारय। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है, देशज शब्द बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। इस प्रश्न का आंसर सभी का सही होना चाहिए, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं। लोटा देशज शब्द है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है लोटा शब्द। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और ध्यान भी रखना है। प्रश्न है हमारा, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन, बताइए भाववाचक संज्ञा कौन सी है इनमें। जल्दी जल्दी आंसर दिया करो भाई, शेयर भी कर दिया करो, वो तो ठीक है, शेयर करने में पैसा नहीं लगते, वरना कोई शेयर ही नहीं करता। फिर जल्दी जल्दी शेयर कर दिया करो, कम से कम हर इंसान अपने दो दोस्तों को शेयर किया करो। ठीक है, चलते हैं अपने प्रश्न पर। भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसमें, लड़कपन। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। कारक सभी ने पढ़े होंगे, तो बताइए जल्दी से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। ठीक है, अपादान कारक की विभक्ति पूछी है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। इस प्रश्न का आंसर तो लगभग सभी का सही है। चलिए आंसर ले लेते हैं, आंसर क्या है इसका, से। अपादान कारक की विभक्ति में क्या चिन्ह होता है, से लगाते हैं। कैसे, किसको प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें पूछा जाए कि कौन सी विभक्ति है, तो क्या कहेंगे, अपादान कारक है। अलगाव की स्थिति होती है, मतलब कोई चीज़ अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो क्या हो गया इसमें, अपादान कारक हो गया। प्रश्न है, सारंग का पर्यायवाची शब्द है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। सारंग ले सारंग चली, आंसर क्या होगा, मोर। सारंग का पर्यायवाची मोर ही नहीं होगा, सब को भी कहते हैं सारंग, कहते नहीं है सारंग ले सारंग चली। ठीक है, कभी कमेंट बॉक्स में आए, मैम आपने तो गलत पढ़ा दिया, सांप को कहते हैं सारंग। ठीक है, दोनों को कहते हैं, मोर को भी कहते हैं सारंग और सर्प को भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हिरण को भी कहते हैं सारंग। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची नहीं है, सभी को आता होगा ये प्रश्न। कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो आंसर क्या होगा हमारा, बहुत आसान प्रश्न है, आंसर होगा रसाल, क्योंकि रसाल किसका पर्यायवाची है, आम का। ठीक है, आम का पर्यायवाची है ये, कमल का नहीं है। मौन का विलोम शब्द है, मौन शब्द लिखा हुआ है, पूछा है विलोम शब्द क्या है। ठीक है, विलोम शब्द बताना है, मुखर, मौखिक, मयंक, विकार,
कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी अपने अपने। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, चलो आंसर ले लेते हैं। क्या है इसका? विलोम मौन का मुखर, मुखर शब्द जो है ये मौन का विलोम होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है? विस्तार का विलोम पूछा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में अपने अपने। बहुत आसान प्रश्न है, आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? संक्षेप। विस्तार का विलोम क्या होगा? संक्षेप। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो गणना योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द बताना है, चलिए जल्दी से एक शब्द बताइए इसके लिए। जो गणना योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? मतलब जिसे गिना ना जा सके, ऐसे भी बोला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? बहुत आसान है, इसे तो आंसर सबका ही आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए असंख्य कहते हैं उसे, जैसे गिना ना जा सके। चलिए आगे चलते हैं। अज्ञ शब्द के लिए एक वाक्यांश है, अज्ञ शब्द के लिए एक वाक्यांश पूछा है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, या जिसे रोका ना जा सके। अज्ञ किसे कहते हैं भाई? ये तो राइटर भी हैं हिंदी में, अयोध्या सिंह उपाध्याय योद्ध। चलिए आंसर ले लेते हैं। अज्ञ किसे कहते हैं? जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं, ठीक है। ताजमहल का अद्भुत नमूना किसका उदाहरण है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आज के सेशन में मैंने बहुत आसान प्रश्न लिए हैं, चलिए आंसर बताइए सभी। शेयर भी कर दीजिए भाई सेशन को। चलिए आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या होगा? ताजमहल किसका उदाहरण है? स्थापत्य कला का, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बंदूक एक उपयोगी है, क्या उपयोगी है बंदूक, बताइए जल्दी से। बंदूक एक उपयोगी क्या है? औजार है, अस्त्र है, शस्त्र है, रक्षक है, क्या है बंदूक? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। सबको पता होगा बंदूक के बारे में, तो सभी जानते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। शस्त्र, बंदूक क्या है? शस्त्र। अच्छा ये बताइए, शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए बता देते हैं, शस्त्र क्या होता है? शस्त्र वो होता है जिसे हम अपने पास से चलाते हैं और वो हमारे पास ही रहता है। जैसे बंदूक होता है वो शस्त्र होता है, बंदूक से गोली निकल के चली जाती है लेकिन बंदूक हमारे हाथ में ही रहती है। लेकिन अस्त्र किसे कहते हैं? अस्त्र वो होता है जिसे हमें फेंक के मारना पड़ता है किसी को, जो हमारे पास छोड़ने के बाद किसी को हम यदि मारेंगे तो हमारे पास नहीं रहता है। जैसे भाला होता है उसे हम फेंक के मारते हैं, उसे कहते हैं अस्त्र, ठीक है। कच्चे घड़े पानी भरना, इसका अर्थ क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। कच्चे घड़े पानी भरना, कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम न करना, कठिन काम करना, या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। कच्चे घड़े पानी भरना। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। चलो आंसर ले लेते हैं हम। कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ क्या होता है? मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ठीक है। अब कच्चा घड़ा है उसमें तुम पानी भरोगे तो वो फूट ही जाएगा, और ये क्या हो गया? ये मूर्खतापूर्ण कार्य ही हो गया ना। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कोयले की दलाली में मुंह काला
कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ पूछा है। कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना। आंसर बताइए सभी, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। कोयले की दलाली में मुंह काला। चलिए आंसर ले लेते हैं, आंसर क्या होगा? बुरे काम से क्या होता है? बुराई मिलती है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठीक है, कोयले की दलाली में मुंह काला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आ बैल मुझे मार का अर्थ बताना है। छेड़छाड़ करना, जान बूझ कर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपने अपने। इसका आंसर तो ज्यादातर सभी का आ जाना चाहिए। चलिए आंसर ले लेते हैं, आंसर क्या होगा? जान बूझ कर मुसीबत में पड़ना। आ बैल मुझे मार, बैल कुछ कह नहीं रहा है तब भी बैल के पीछे पड़ रहा है, आजा भाई मार हमें। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, पल्लव के रचयिता पूछे हैं, लास्ट प्रश्न है आज का ये हमारा। सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, लास्ट प्रश्न के साथ कमेंट जल्दी जल्दी दीजिए। सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा, आंसर क्या होंगे इसके? सुमित्रानंदन पंत। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। धन्यवाद मेरे साथ इतनी देर बने रहने के लिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।